हमारे पास कुछ प्रश्न आया है, देखिए बहु उपयोगी प्रश्न है कि स्त्रियों को, शूद्रों को तथा अनुपनीतियों को भी श्राद्ध करने का अधिकार है, क्या वे लोग भी श्राद्ध कर सकते हैं और तथा उनके श्राद्ध करने की क्या विधि विशेष है वो बतलाएं। देखिए सबका श्राद्ध करने का अपनी अपनी अधिकारिता में रह करके और अधिकार है, सभी लोग श्राद्ध कर सकते हैं, परंतु लिखा हुआ है कि स्त्री शूद्राणाम श्राद्धम मंत्र वर्ज्यम तूष्णीम भवति। स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला श्राद्धादि और शूद्र के द्वारा किया जाने वाला तथा अनुपनीत, जिनको उपनयन का अधिकार था उन्होंने उपनयन नहीं किया, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदियों के द्वारा भी मंत्र वर्ज्यम श्राद्धम, उसमें मंत्र नहीं बोलना चाहिए, विधि युक्त ही श्राद्ध करना चाहिए। अर्थात मंत्र का अर्थ है या वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्र या प्रणव ओंकार का उच्चारण करते हुए पौराणिक मंत्र अथवा केवल जो है नाम मंत्र से या अमंत्रक ही उस क्रिया की पूर्ति कर देनी चाहिए। लिखा हुआ है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की स्त्रियां यदि पति आदि के जो है न रहने पर या अधिकारी पुत्र आदि के न रहने पर श्राद्ध करने का उनको अवसर प्राप्त हो तो श्राद्ध का संकल्प करें और ब्राह्मण वो प्रतिनिधि बना करके और उससे वो श्राद्ध करवाएं। यही विधवा कर्तृक श्राद्ध की वह विधि है। विधवा कर्तृक नांदी श्राद्ध, विधवा कर्तृक पार्वण या महालय श्राद्धों में कुछ और विशेष है। उसमें अगर पिंडदानात्मक करना है तो किन किन के लिए करेगी, तो वो स्त्री जो है अपने यहाँ पति से लेकर के तीन पीढ़ी तक और अपनी सासू से लेकर के आगे तीन पीढ़ी तक और अपने जो है पति, अपने मामा, अपने माता, अपनी माता के माता इत्यादि तीन पीढ़ी तक, अपने पिता आदि की तीन पीढ़ी तक तथा अपने मामा और अपने नाना नाना आदि की तीन पीढ़ी तक तथा वो विधवा स्त्री अपने जो है नानी आदि के लिए भी तीन पीढ़ी तक इस तरीके से वो श्राद्ध करेगी। परंतु यदि वो पुत्रवती है, विधवा है, तो फिर वो उसको अवीरा नहीं कहा जाएगा, वो पुत्र जिसको श्राद्ध करेगा उसके निमित्त ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके और ब्राह्मण से उसको श्राद्ध करवाए, फिर वो अपने जो है माता पिता के लिए नहीं करेगा, फिर तो वो पुत्र तो अपने यहीं के लिए करेगा, अभी छोटा है या जो है असमर्थ है तो फिर वो ब्राह्मण के द्वारा कराया जा रहा है, अन्यथा इसी प्रकार करेगा। और जो लोग हैं अनुपनीत हैं या और चतुर्थाश्रमी हैं उनके लिए कहा गया है कि वे लोग फिर इस तरीके के श्राद्ध जो है पकवान से न कर करके आमान्य से करें, माने कच्चे सीधे से करें, कच्चा सीधा आमान्य कच्चा अन्न जो है आटा तेल दाल चावल घी आदि दे करके दान करके फिर उससे जो है श्राद्ध कर सकते हैं। देखिए शास्त्र का वचन, देखिए स्त्री शूद्राणाम श्राद्धम मंत्र वर्ज्यम तूष्णीम भवति। स्त्री शूद्र आदि का जो है श्राद्ध है वो मंत्र वर्ज्य तूष्णी माने चुपचाप होता है। स्त्री नाम मंत्रकम श्राद्धम तथा शूद्राश्रुतस्य च प्राग् द्विजाश्च व्रता देशास्ते च कुर्युस्तथैव तत्। और वे जो है स्त्री शूद्र आदि का जो है श्राद्ध वे जो है मंत्र वर्ज्य होता है तथा स्त्री आदि जो भी श्राद्ध करें तो ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके श्राद्ध को कर सकते हैं। ये हिमाद्री का, हिमाद्री में मरीचि ऋषि का वचन है, निर्णय सिंधु के तृतीय परिच्छेद में भी ये लिखा हुआ है। और देखिए श्राद्ध विवेक का वचन है कि आपद्य नग्नौ तीर्थे च चंद्र सूर्य ग्रहे तथा आम श्राद्धम द्विजई कुरियात शूद्रेण तो सदैव ही। किसी आपत्ति में पड़े हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीर्थ में गए हुए द्विज लोग तथा सूर्य और चंद्र के ग्रहण में सभी को
जो है श्राद्ध आमान्न से ही करना चाहिए, माने कच्चे अन्न से ही श्राद्ध करना चाहिए। तीर्थ में कहाँ जो है पक्का अन्न बना करके श्राद्ध हो पाएगा, अपनी व्यवस्था ही नहीं है, कहाँ भोजन बनाएंगे। इसी तरीके से जब वो ग्रहण पड़ रहा है सूर्य या चंद्र का, तो उस समय भी भोजन कोई लेगा नहीं, तो उस समय भी जो है आमान्न से, या कोई आपत्ति है तब भी आमान्न से, माने कच्चे अन्न से भोजन कराना चाहिए। कच्चा अन्न दान रूप ही ये जो है श्राद्ध करना चाहिए। और शूद्रम तो सदैव ही, और शूद्र के द्वारा तो सदा ही आमान्न से ही श्राद्ध किया जाना चाहिए, सीधा दे करके ही वो श्राद्ध संपन्न कर सकते हैं। इसी तरीके से अनुपनीतों को भी शुद्ध, और कह रहे हैं अपत्नी का प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला आम श्राद्धम द्विजयी कार्यम शूद्रेण च सदैव ही। देखिए अपत्नी का, किसी का विवाह नहीं हुआ है, वो अपने पिता का श्राद्ध कर रहा है, तो श्राद्ध का भोजन कौन बनाएगा, तो वो भी लिखा है कि आमान से श्राद्ध कर सकता है, आप भी आमान से श्राद्ध कर सकते हैं। और प्रवासी माने किसी यात्रा पे है, तो वहां भी आमान से माने कच्चे अन्न से श्राद्ध करे। और यस्य भार्या रजस्वला, यदि किसी की पत्नी रजस्वला है तो वो भी जो है आमान से श्राद्ध करे। आम श्राद्धम द्विजयी कुरिया, ऐसा जो है कार्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को करना चाहिए। तथा शूद्रो, शूद्रेण तो सदैव ही, शूद्र के द्वारा तो सदा ही आमान श्राद्ध से ही समस्त पितरों के लिए श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। ये जो नियम है, इस तरीके का जो है शास्त्रों में नियम बतलाया गया है कि कहाँ आमान से श्राद्ध करना है, कहाँ जो है द्रव्य दानात्मक करना है, और कहाँ जो है पकवान से करना है, ये भी सिद्धि है। देखिए जो ग्रहण आदि की तो बात हो ही गई, सामान्य रूप से ये जो है महालय श्राद्ध जो अभी पितर पक्ष में चल रहा है, इसमें पकवान से ही श्राद्ध करना चाहिए, भोजन बना करके ही खिलाना चाहिए, यही मुख्य विधि है। और अगर किसी के यहाँ नहीं है तो ये जो है आमान माने कच्चा अन्न सीधा दे सकता है। तो लिखा हुआ है कि यदि भोजन करावे तो नियत व्यक्ति को पेट भर के कराए, जो व्यक्ति है तृप्त पर्यंत, और यदि कच्चा अन्न आप दान कर रहे हैं तो दो लोगों का देवे, दूना देवे, इतना सीधा देवे एक ब्राह्मण को ही कि उसमें दो लोग खा सके, ये विधि है। और कच्चा सीधा अन्न भी न दे करके आप केवल द्रव्य दानात्मक कर रहे हैं कि कुछ पैसे दे दिए कि भाई हमारे आज पिताजी का श्राद्ध है, माताजी का श्राद्ध है, ऐसे परिस्थिति में तो भोजन बना के नहीं खिला सकते हैं, तो द्रव्य दानात्मक भी श्राद्ध होता है, यानी उनके निमित्त कुछ पैसे आदि दे देना, द्रव्य दे देना, तो वो द्रव्य फिर चौगुना देना चाहिए, यानी कि उसका भी दूना, यानी उस पैसे में चार लोग भोजन कर सकें इतना पैसा जो है दान करना चाहिए एक ब्राह्मण के निमित्त, ऐसा जो है श्राद्ध का सिद्धांत है। तो श्राद्ध आमान्य भी हो सकता है और श्राद्ध द्रव्य दानात्मक भी हो सकता है। अब और देखिए, कोई व्यक्ति किसी के पास पैसे भी नहीं है दान करने के लिए, तो वो श्राद्ध कैसे करे, इसी परिवेश में इसको सुन लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी के पास कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो वो कैसे श्राद्ध करे। तो लिखा हुआ है कि वो घास छील करके, हरी हरी घास ला करके, कम से कम जो है एक गाय का पेट भर करके घास खिलाए, तो वो जो है गाय तृप्त हो करके, फिर जैसी गाय तृप्त होगी वैसे ही उसके पितर तृप्त हो जाएंगे। तो गाय को भरपेट घास खिलाने पर भी जो है श्राद्ध हो जाता है, ये विकल्प है। तो पहला कल्प में अगर आप समर्थ नहीं है तभी ही दूसरे कल्प का विकल्प का आपको अनुसरण करना है। ऐसा नहीं है कि जो 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 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का घास लेकर के गाय को खिला दिया और हो गया श्राद्ध। वो जो असमर्थ है, नहीं कर सकते, तो उनके श्राद्ध की उससे भी तृप्ति हो जाएगी। और देखिए, ये भी नहीं कर सकता है तो भी बताया गया, यदि कोई कारागार में बद्ध है या विशेष आपत्ति में पड़ा हुआ है कि वो जो है घास भी छील करके गाय को नहीं खिला सकता है, तो वो कैसे श्राद्ध कर। तो लिखा है कि वो व्यक्ति हाथ उठा करके और एकांत में जा करके रोए
अपने अश्रुपात कर, हे पितर लोग मैं आज असमर्थ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी ऐसी आपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, तो इन हमारे करुण क्रंदन से ही, हमारे इस अश्रुपात से ही आप तृप्त हों, आप हमें आशीर्वाद देवें कि हम आपके श्राद्ध करने में समर्थ हों। इस प्रकार से प्रार्थना वो करता है हाथ उठा करके और सच्चे मन से, तो उसके पितर उसके करुण क्रंदन से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद दे देते हैं। पर श्राद्ध अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना अवश्य चाहिए, श्राद्धम न हापये, श्राद्ध का परित्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के विकल्प अनुकल्प कई तरीके के हैं, जैसी जैसी जिसकी सामर्थ्य उसी प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में बहुत ज्यादा विस्तार का भी मना लिखा है, न कुरिया श्राद्ध विस्तरम, श्राद्ध का विस्तार नहीं करे, परंतु जो विधि है उसके अनुसार अवश्य करे। हर हर महादेव।